बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ फलकनाथ डायनेस्टी, जो कि मेन जीना एवेन्यू वाली रोड पे मौजूद है। और इस प्रोजेक्ट की अभी पोजीशन हुई है, ये इसके बराबर में जो है मेट्रोपोलिस है और सामने जो है गुलशन रूमी है। इसमें हमारे पास 2/DD का एक अपार्टमेंट आया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसका पार्किंग का एरिया है और ये वेटिंग एरिया है और ये इसका लिफ्ट का एरिया है। दो लिफ्ट लगी हुई हैं यहाँ पे, पैसेंजर लिफ्ट हैं। तो मैं भी आपको लेके आ गया हूँ 2/DD के अपार्टमेंट में, जो कि फलकनाथ डायनेस्टी में मौजूद है, और ये मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, इंटर होते ही जो है लेफ्ट हैंड पर जो है इसका ड्राइंग रूम है। अच्छा, ये बिल्डर कंडीशन में नहीं है, इस पर काम हुआ है, किसी इन्वेस्टर्स का है, उन्होंने इसमें काफ़ी हद तक काम, देख रहे हैं आपको वॉलपेपर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका ड्राइंग रूम है और ये इसका टीवी लाउंज है, ये टीवी लाउंज है और टीवी लाउंज के साथ ही किचन है। किचन देख लें आप, बना हुआ है बिल्कुल। एक ये देखें आप, करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, किचन बना हुआ है और नया बिल्कुल 0 मीटर किचन है, अब यूज़ भी नहीं हुआ है। ये अपार्टमेंट 2/DD का सेल पे अवेलेबल है। और ये तो मैंने लॉन्च बता दिया आपको, सामने इसका एक बेडरूम, ये देख लें आप, वॉलपेपर का काम हुआ हुआ है पूरा घर में। और अगर मैं आपको विंडो से दिखाऊं तो सामने फलकनाश प्रेसिडेंसी है और ये इसके वॉशरूम, ये वॉशरूम है इसके। और अभी मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ, ये देखें आप, टीवी लाउंज में भी वॉलपेपर लगा हुआ है पूरा। ये इसका ग्रॉस एरिया 1250 स्क्वायर फिट है और नेट एरिया जो लिविंग एरिया है, जिसे आप कवर्ड एरिया कहते हैं, वो जो है 1000 स्क्वायर फिट पे है। अच्छा, ये सेकंड बेडरूम है, इसके साथ एक अदद बैल्कनी भी दी हुई है, ये देखें आप, ये बैल्कनी दी हुई है और खिड़कियों में ग्रिल वगैरह सब लगी हुई है, ये देखें आप। ये इसका सेकंड वॉशरूम, ये मैंने आपको 2/DD का अपार्टमेंट दिखाया है फलकनाश डायनेस्टी में, जो कि मेन जिन्ना एवेन्यू और गुलशने रूमी के बिल्कुल सामने है ये। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार कि एक अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ अपार्टमेंट है। और मैंने आपको ये बस अब ये ऐसा है कि अपना सामान लेके आए और रहें इसके अंदर आप लोग। और किचन भी दिखा दिया मैंने आपको, और मज़ीद कहें तो मैं करीब से और करीब से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इसका कॉरिडोर का एरिया है, जो फ्लैट अभी मैंने आपको 2/DD का दिखाया है, ये इसका मेन दरवाज़ा है। और आपको मैंने बताया कि ये ऑलमोस्ट सेमी फर्निश है, सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, मतलब बिल्डर कंडीशन में नहीं है ये। और इसकी जो डिमांड है वो 1,25,00,000 रुपये की है विद ट्रांसफ़र, मतलब आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो के ये मिल जाएगा आपको 1,25,00,000 रुपये में। बाकी जो भी निगोसिएशन होती है आपको मालूम है, वो सामने बैठ के होती है। तो जब आप सामने बैठेंगे तो फिर हम इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या हेल्प करेंगे। आप देख लें, मैं आपको और भी फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी साफ़ सुथरे और बिल्कुल नए, अभी नई पोजीशन हुई है तो आपको हर चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है इसमें। अच्छा, ये इसका पार्किंग एरिया, ये देख लें आप, मैं आपको पूरा वाइट करके दिखाता हूँ। कम्युनिटी हॉल मौजूद है, मस्जिद मौजूद है और स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, सर्विलेंस है, बच्चों के लिए किड्स एरिया है। और सामने इसके फलकनाश प्रेसिडेंसी है, जिसकी वीडियो हमारी देखते रहते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है प्रेसिडेंसी, और ये मैं बता रहा हूँ इसका कम्युनिटी हॉल, ये देखें। तो भाइयों, जिस तरह आप लोग हमेशा कांटेक्ट करते हैं हमारी वीडियो देख के, और अगर किसी को 2/DD या 3/DD या 2-bed lounge या इसका है विला के नाम से, विला भी मौजूद है, कॉटेजेस भी मौजूद हैं, उनमें से वन ऑफ दी मोस्ट मैं आपको अभी एक दिखाता भी हूँ, और कांटेक्ट करेंगे तो आपको अभी, क्योंकि अभी पोजीशन हुई है तो रेट इतना हाई नहीं है, तो आपको हम जो है इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। और बाकी नंबर मेंशन होगा। ओके भाइयों, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा।